हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज एनालिसिस तो आज हम लोग दोनों दिन के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे फोर्टीनथ मार्च और फिफ्टीन मार्च को के डिस न्यूज़ को इसमें आज सबसे पहले हम लोग फोर्टीन मार्च का जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं uh, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो न्यूटन भाभा फंड को लेकर के है ग्राउंड वाटर आर्सैनिक रिसर्च करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम जॉइंट टीम है उन्होंने इस फंड uh, को जीता है न्यूटन भाभा फंड को जीता है इसमें आपको याद रखना है कि जो गंगा रिवर बेसिन है वहाँ पे आर्सेनिक का कंटेमिनेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करने के लिए ग्राउंड वाटर पर रिसर्च करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल ये दोनों मिलकर के इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उस रीज़न में अब न्यूटन भाभा फंड क्या होता है वो देख लीजिए इसको प्रोवाइड किया जाता है ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा एंड इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर यूके एंड इंडियन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन सेक्टर टू फाइंड ज्वाइंट सोल्यूशन टू चैलेंज फेसिंग इंडिया इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए इंडिया के वेलनेस के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है इसमें जो यू के है और इंडिया दोनों आ, साथ मिल कर के आते हैं और साइंटिफिक रिसर्च जैसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है आर्सेनिक कंटेमिनेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा इस पर कई सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं देखिए ये एक नेचुरल कंपोनेंट है जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं ऐसा नहीं है कि किसी एंथ्रोपोजेनिक रीजन से आर्सेनिक बनता है बल्कि ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है कहीं कहीं पर इसका कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इन्वायरमेंट में आपको याद रखना है एयर वाटर और लैंड तीनों जगह पर स्प्रेड है हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है आर्सेनिक का तो जब कई बार इसका कंटेमिनेशन बढ़ जाता है और वैसे पानी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं हम लोग पीने में या फिर इरिगेशन परपज़ से या फिर खाना बनाने के तरीके में तो फिर पब्लिक हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत बड़ा थ्रेड क्रिएट हो जाता है तो इसलिए इसके कंटेमिनेशन को कम करने के लिए या फिर किस तरीके से वहाँ का पानी यूज़ ना किया जाए ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए ये जो टीम है वो काम करेगी ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिलिपाइंस विदड्रॉज फ्रॉम आईसीसी आईसीसी सी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्वेश्चन में सीधा बनेगा कि कौन सी कंट्री है जिसने भी विदड्रॉ किया है आईसीसी से वो फिलिपाइंस है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी वहाँ पे फिलिपाइंस में एक कैंपेन चलाया गया था एंटी ड्रग कैंपेन और उस कैंपेन में ऐसा कहा जा रहा है जो ह्यूमन राइट्स लोग वाले लोग हैं उनका कहना है कि कई सारे लोगों को सस्पेक्ट्स के बिहाफ पे मार दिया गया है ल कर दिया गया है जो कि एक बहुत गलत स्टेप है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन और आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही आवाज़ उठाती है जब कहीं पर कहीं का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो जाता है किसी कंट्री का तो फिर ये वहाँ पे क्लेम करती है वहाँ पे थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश करती है और ये आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो द हैग नीदरलैंड में है आपको याद रखना है तो वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि फोर uh, थाउजेंड से भी ज़्यादा लोगों की uh, को किल कर दिया गया है इस एंटी ड्रग कैंपेन के नाम पर इसकी वजह से इन्होंने uh, एक थ्रेटनिंग दी थी फिलिपाइंस को तो फिलिपाइंस ने उसको अपने आप को विदड्रॉ कर लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है अब आई के बारे में जान लेते हैं ये नीदरलैंड दग हेग में है और इट इज़ द फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो ये पहली ऐसी कोर्ट है जो कि ट्रीटी बेस्ड है और रोम स्टैट्यू इसका इसकी फाउंडिंग ट्रीटी है याद रखेगा रोम स्टैट्यू से इसको बनाया गया था 2002 में ये पूरी तरीके से फोर्स में आया आईसीसी तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमेशा ही न्यूज़ में रहता है तो हो सकता है फिल्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसके बेसिक्स से भी तो इम्पॉर्टेंट है ये और अब नेक्स्ट न्यूज़ है कार्बोनीसियस कॉन्ड्राइट तो ये पूछा सकता है कि दिस वर्ड वाज इन न्यूज़ तो ये क्या है देखिए ये एक मेटोराइट है अभी पिछले ही साल 2017 में ये असम और राजस्थान दोनों जगह पे देखे गए थे ये मेटेराइट तो इसी के ऊपर रिसर्च हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत पुराना मेटोराइट है जो यहाँ पर अभी मिला है और आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्राइड बेल्ट से जो मेटराइड से यहाँ आ जाते हैं तो ये एस्ट्राइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है जैसे आप लोग जोग्रफी में जानते हैं और वहीं से ये मेटोराइट्स नीचे आ जाते हैं कई बार अर्थ पर आ जाते हैं तो उस पर अभी रिसर्च चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इससे हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ का भी पता लगा सकते हैं किस तरीके से लाइफ का ऑरिजिन हुआ होगा अर्ली टाइम पे एंड दिस मेटोराइट अनलाइक अदर मेटोराइट्स कंटेन वेरी प्रिमिटिव ट्रेसेस ऑफ कार्बन तो इसमें बहुत सारे ट्रेसेस हैं कार्बन के जिस पे की रिसर्च किया जाएगा एंड यू ऑल नो दैट कार्बन इज़ अ बैकबोन ऑफ ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड याद रखना है कि ये क्या था तो दिस इज अ नेक्स्ट न्यूज है है चिट बिल बिल एक प्रपोज किया गया लोकसभा में चिट अमेंडमेंट बिल ठीक है एंड द बिल एम्स टू स्ट्रीम लाइन एंड द चिट फंड सेक्टर तो जो चिट फंड सेक्टर है उसको स्ट्रीम लाइन करने के लिए अमेंडमेंट uh, को प्रपोज किया गया है एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द फाइनेंस एंड एडवाइजरी ग्रुप ऑन चिट फंड तो इस बिल में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारा रिकमेंडेशन आया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का उसी के बिहाफ पे इस बिल को प्रपोज किया गया है कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं दैट इट प्रोवाइड्स तो कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह को इसमें शामिल किया गया है आपको याद रखना है कि ऐसा कोई अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है रिसेंटली नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग हैज़ बीन नागरेटेड इन मॉरिशस सीधा क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर है ये सेक्रेटेरिएट तो मॉरिशस में है वहाँ पर मॉरिशस में इसको इनागरेट किया गया है इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग कंट्रीज एंड रीजन्स वेयर हिंदी इज़ द फर्स्ट एंड कस्टमरी लैंग्वेज तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा ऐसे कंट्रीज जहाँ पे कि हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज है या फिर कस्टमरी लैंग्वेज है एंड वेयर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ हिंदी स्पीकर्स और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और

यू एन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और आगे चल करके पहले तो वर्ल्ड में पॉपुलर हो और फिर यूनाइटेड नेशंस में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इसको शामिल कराया जाए इसलिए इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखेंगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं आज का इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है द डेली एंड टी वी समिट को लेकर के इसमें हमने डिस्कशन भी किया था द समिट विल बी को होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डब्ल्यू एच ओ एंड स्टॉप टी वी पार्टनरशिप दूसरा स्टेटमेंट है दैट वायरस इज द कॉज ऑफ टी वी आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है और अब जो प्रीवियस डे में हमने क्वेश्चन देखा था उसका आंसर इसमें दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिए हुए हैं ट्रू फॉल्सेशन की तरफ चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग हैज लॉन्च वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म डब्ल्यू क्या ये सही स्टेटमेंट है तो इट इज़ एक्चुअली अ ट्रू स्टेटमेंट नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है ये से मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आप इसको याद रखें कि इसमें दूसरी मिनिस्ट्री नहीं है जो वुमेन डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री होती वो इसमें नहीं है दूसरा स्टेटमेंट है सुविधा को लेकर के कि सुविधा जो स्कीम है उसको केमिकल एंड फर्टिलाइजन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसमें हंड्रेड परसेंट ऑक्सो बायोडिग्रेबेबल सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है यहाँ पे भी मिनिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप गेस नहीं कर पाएंगे इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज लॉन्च उद्यम सखी पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट ठीक है तो थैंक यू थैंक यू फॉर बींग विद मी है वॉचिंग डिस्कशन आप लोग नोट्स जरूर तैयार कर लें अभी कुछ ही देर बाद आपके पास दूसरा वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा जो फिफ्टीन मार्च का होगा ठीक है तो वीडियोज़ को देखते रहें और अपना नोट्स क्रिएट करते रहें थैंक यू सो मच